5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं नए शिक्षा मंत्री महोदय जी का स्वागत करते हुए शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस सदन में पेश की गई मांगों का समर्थन करना चाहता हूँ। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। विचारणीय विषय है कि हम लोग अभी तक भी शिक्षा की कोई एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने में असफल रहे हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा केंद्रीय सरकार का विषय नहीं है, यह राज्य सरकार का विषय है। यह ठीक है कि शिक्षा राज्य का विषय है, लेकिन संविधान की दूसरी धाराओं के अनुसार शिक्षा के बारे में केंद्र की भी जिम्मेदारी होती है। फिर भी यह पहली बार है, चाहे यह नए शिक्षा मंत्री के कारण हो चाहे भारत सरकार की शिक्षा नीति के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन के कारण हो, हम यह पाते हैं कि जो वार्षिक विवरण इस वर्ष के लिए शिक्षा का पेश किया गया है, उसमें केंद्रीय सरकार ने शिक्षा के प्रति और शिक्षा से संबंधित हिंदी भाषा और भारत की दूसरी भाषाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को खुले तौर से स्वीकार किया है। इसीलिए सरकार की नीति में दृष्टिकोण में जो परिवर्तन हुआ है उसका मैं दिल से स्वागत करता हूँ और उसके लिए शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आम तौर पर हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि मुगल काल में हमारा देश सबसे धनी था, लेकिन पश्चिमी देशों के मुकाबले उस वक्त भी बहुत पीछे था। इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण यह है कि उस समय के शासक देश को मजबूत बनाने की कोशिश करते रहते थे। फिर भी पश्चिमी देशों की तरह उन्होंने शिक्षा के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति नहीं अपनाई थी। पश्चिमी देशों ने काफ़ी पहले विज्ञान को अपनाया, लेकिन हम इस 21वीं सदी में अपनी शिक्षा नीति को बदल भी नहीं सके हैं। आज भी जब वित्त मंत्री जी अपना बजट भाषण पेश करते हैं तो उसमें शिक्षा के लिए ज़्यादा पैसे की व्यवस्था करना वे जरूरी नहीं समझते। मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि बड़े दुख की बात है कि कई राज्य सरकारें बीते कुछ वर्षों में शिक्षा पर अपने बजट का जो प्रतिशत खर्च करती आई है उसमें उन्होंने कटौती की है। ऐसी हालत में संविधान में सरकार पर शिक्षा के लिए और लोगों को शिक्षित करने की जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको सरकार कैसे पूरा कर सकेगी? यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। कोई भी ऐसा प्रगतिशील देश नहीं है जहां हमारे देश की तरह शिक्षा को सबसे पीछे रखा जाता है और उस पर इतना कम खर्च किया जाता है। सभापति महोदय, यदि आप आज्ञा दे तो मैं विभिन्न प्रदेश सरकारों ने आज तक शिक्षा पर जो खर्च किया है उसके आंकड़े इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। मैं केवल एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि मुझे अपनी बात कहने के लिए थोड़ा समय और दिया जाए, जिससे शिक्षा जैसे
महत्वपूर्ण मद पर बजट की राशि में आवश्यकता अनुसार प्रावधान कर राज्यों को आवंटित कर शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके।